शाह बाबा इनके पास आ गए हैं। मम लेके आए हो? क्या लेके आए हो? खाओ आप खाओ। जी आया। यहाँ पर जो है काम लगाया हुआ है, वो गोश्त साफ कर रही है पकाने के लिए, तो मैंने सोचा इनके साथ थोड़ी हेल्प कर लूँ। चला ये देखिए अच्छे से जो ये ना उबल जाएगा, इसमें हड्डियाँ भी हैं और साथ ये भाई जान हमारी बिरयानी के लिए काम आएगा कल परसों। तो मिशी खान फैमिली की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब की तरफ से अल्लाह पाक हम सब के लिए ईद बहुत अच्छी से गुजारे, कोई परेशानी ना आए। सुबह सुबह का टाइम था, मैं ईद की नमाज पढ़ के आया तो ये लोग सो रहे थे, मिशी और कैफ दोनों सो रहे थे। तो अब थोड़ी देर हुई ये जागे हैं, तो काफी देर होगी जागे हैं। कैफ जो ना काफी गोश्त वगैरह भी ले आए, बाहर बेलें वगैरह देखने गए थे, बेलें जो कट रही थी। कैफ ने बोला था मुझे उठा देना, मैं बाहर बेल गाय वगैरह जो कटती है वो देखूंगा। तो ये जो है ना हमारे जानने वालों ने इसे गोश्त भी दिया, वो भी लेकर आया है और अभी आया तो साथ में शहाब बाबा को भी ले आए। ये लोग शहाब बाबा भी आ गए और मैंने खाना तैयार कर लिया है, तो बस अभी खाना भी खाएंगे इंशाल्लाह। कैफ ने बोला था कि मेरे लिए गोश्त बनाना, तो मैंने छोटा छोटा सा जो है वो पीस करके जो है गोश्त बनाया। गोश्त खाती नहीं है? नहीं, मुझे गोश्त इसलिए बाहर से चिकन बिरयानी, ईद के दिन भी चिकन बिरयानी बाहर से आई है। शहाब बाबा आ गए हमारे घर। वाओ ये कपड़े कौन लाया है? मेरा भाई है। आप और आप, आपका बाबा मेरा भाई है? मेरा भाई है। मैं बाबा को बोलूंगी, मैं बाबा को बोलूंगी शाब ने मुझे मारा है। नहीं 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 मारा। आपने नहीं मारा? कर दो भैया को, दो मैं लोड करूं। चलो जल्दी से भैया को डस कर दो, खड़े होके करो, खड़े होके, खड़े होके डस कर, जल्दी से कर दो डस। नहीं नहीं शाब की बारी है, अभी शाब आपको डस करेगा। किसको ने खाना खाया है? कौन खाया है? ये वाला खाना खाओगे? गुड गुड, अभी आपको भी खाना दे रही हूँ। शाब तो हमारे घर पे आते हैं ना, हमारी एक वो रौनक लग जाती है इसके साथ, है ना शाब? मेरे घर आते हो ना शाब? के बाबा कहाँ हैं? घर बाबा को नींद आ रही है। बाबा को नींद आ रही है, रात जाग जाग के पूरी नींद आ रही है ना अभी। शाब शाब को नहीं आ रही? मैं यहाँ आ गए हो? ठीक है, अभी आपको मैं खाना खिलाती हूँ, ठीक है? आप लोग गोश्त खाएंगे और मैं खाऊंगी यहाँ पे बिरयानी। जी मेरा वैसे भी बिरयानी खाने का बहुत दिल हो रहा है, कल बिरयानी बनाएंगे अम्मी के घर पे इंशाल्लाह। और शीजा क्या कर रही है देखो जरा, शीजा अपनी सेल्फियां देने आई है यहाँ। मेकअप चेक कर रही है कैसा हुआ है। अच्छा बच्चा, क्या थोड़ी सी यही तो दी है ये वाला। गुड गुड कर दो सब शाब के लिए। गुड वाह शाब, जा रहे हैं मम्मा के घर जा रहे हैं? अम्मी आपकी दादो के घर जा रहे हैं? अम्मी बोलो ना, वो की अम्मी, आपकी दादो। अम्मी के घर जाओगे? सारी बातों को छोड़ो, शाब की चप्पल कितनी प्यारी है। वाह वाइट चप्पल कितनी प्यारी है, कौन लेके आया है? अम्मी के घर आ गई हूँ मैं और अम्मी ने यहाँ पर जो है काम लगाया हुआ है, वो गोश्त साफ कर रही है पकाने के लिए, तो मैंने सोचा इनके साथ थोड़ी हेल्प कर लूँ। और इन्हें नींबू भी मंगवा लिए सजाद से, भी सजाद लेकर आए ये। अम्मी ईद मुबारक बोले ना सबको। ईद मुबारक सबको, अम्मी ने भी ईद मुबारक सब ने कर दिए। और आज आप लोग देखोगे मिशी खान को एक नए रूप में, नए स्टाइल में। मिशी खान अपनी अम्मी के घर में बर्तन धो रही हैं, क्योंकि इनकी भाभी जो है ना वो अपनी अम्मी के घर गई हमें कोयटा, तो वो अकेली हैं, इसलिए ये शाह बाबा इनके पास आ गए हैं। मम लेके आए हो? क्या लेके आए हो? खाओ आप खाओ। जी आया था आगे। आया, अस्सलाम वालेकुम बोलो अंकल को। कैसी हो? गोश्त उबल गया था, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, उसमें शामिल करें टमाटर ग्राइंड किए हुए। अचार गोश्त तैयार हो रहा है जी, तैयार करेंगे चार गोश्त का सालन, और इसी में शामिल कर दूंगी, यहाँ मैंने बॉईल किया था ना गोश्त, वो भी शामिल कर दूंगी साथ ही। इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ, इसे मैंने छोटी छोटी बोटी बना ली थी, साथ में जो है टमाटर का पेस्ट भी तैयार हो जाएगा और साथ ही गोश्त के साथ ही मसाला लग जाएगा। मज़ेदार सा चार गोश्त तैयार हो गया, यहाँ आप दिखाएं तो सजाद ज़रा देखें, माशाल्लाह सच्चा सा तैयार हो गया ये। अब मैं बना रही हूँ भुना कीमा,
क्योंकि छोटी सिस्टर भी आ गई है, तो मम्मी ने कहा साथ में साथ कीमा भी बना दो थोड़ा सा। यहाँ गैस ही जा चुकी है जनाब, गैस ही बिल्कुल चली गई है। हाँ ना, मैंने कीमा यहाँ देखे रखा था कीमा बनाने के लिए, सामान मिक्स करके मैंने कहा साथ ही रख दूंगी, तो गैस ही चली। तो अल्लाह ने किया, थोड़ी सी गैस फिर आ गई है। हाँ, जब तक बेगम साहब ने थोड़ा बहुत सालन दे के उसे रेडी कर रही है, उसके बाद जो है कीमा भूनने के लिए रख दिया है। हाँ, मैंने सब कुछ साथ में ही डाल दिया, प्याज भी, लहसुन अदरक भी, नमक, मिर्च। अभी से ढक के छोड़ दूंगी, ये अपना पानी खुद भी छोड़ेगा और इसी में मैं इसको भूनूंगी। ये बस 10-15 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसी में सब कुछ डाल दिया ना, इसी में भून के पक जाएगा। इसी में कीमा है, प्याज है, टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, बस। यहाँ पर जो है कीमे की बुनाई चल रही है और मजेदार सी खुशबू मुझे आ रही है। दो मिनट के बाद जो है ये पानी जैसे थोड़ा सा खुश्क होगा और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ पानी खुश्क हो रहा है तो वहाँ जा रहा है, यहाँ मुँह में पानी आ रहा है। दो मिनट बाद अभी से ये खुशबू दे रहा है, लेकिन बस पानी खुश्क हो जाए तो तैयार है, रेडी है। यहाँ मैंने सालन डाल दिए हैं, एक में डाला है मैंने भुना कीमा और साथ में है अचार गोश्त, सफ़ेद नान। तो खाना खा लिया है सबने, तो मैंने यहाँ बनाई है अब चाय, सबको दूंगी खाने के बाद चाय। तो बस ये लोग चाय भी पियेंगे, फिर आपको ये भी दिखाते हैं। और माशाल्लाह से बेगम साहिबा ने यहाँ अपने से बड़ा पतीला चढ़ा दिया है, जिसमें गोश्त बन रही हूँ ना। हाँ, वो कल बिरयानी के लिए मैंने कहा रख देती हूँ, फ्रिज में रख दो, फिर बर्फ बना हुआ निकालो। तो बस ये देखें ना, आराम से अभी जो है ना उबल जाएगा, हमारी बिरयानी के लिए काम आएगा कल परसों दो दिन, ये बिरयानी के लिए काम आएगा, इसमें हड्डी वाला भी है ना। हाँ ना, हड्डी वाला है, दूसरा मिक्स है ना गोश्त, तो मैंने कहा ये उबल जाएगा ना। पहले दिन की रूटीन आपसे मैंने शेयर कर दी थी, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।